सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, आपके नीट 2021 के एग्जामिनेशंस को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है एंड ऑफिशियल है। दो बड़े अपडेट हैं जो कि आपके नीट के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ही है। सो पूरा डिटेल में बताऊंगा और इसके ऑथेंटिकेशन का प्रूफ भी मैं आप सभी को दूंगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि हमने देखा कि कोविड की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि MBBS के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर्स के रूप में जो है वो लग सकती है। इसके अलावा हमारा नीट 2021 को लेकर अपडेट ये है कि नीट 21 को लेकर एक मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बीच और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच एक मीटिंग हुई है। अभी तक ऑफिशियल अपडेट अंदर से निकलकर नहीं आया है कि मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सोमवार तक यानी कि कल तक ये अपडेट निकलकर आ जाएगा और आपके नीट 2021 के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की पूरी पॉसिबिलिटीज जो है वो बताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, ये ऑफिशियल अपडेट है कि आप एक मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं इसके बारे में कोई भी निकलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा मुद्दा ये है कि ये बताया जा रहा है कि आपका नीट 21 का जो एग्जामिनेशन है वो कोविड के चलते फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लगभग सारे के सारे एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है सिवाय नीट के। एकमात्र नीट ही हमारा ऐसा एक एग्जामिनेशन बचा है जिस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। एंड अगर इसकी डेट के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसी के चलते यही उम्मीद जताई जा रही है कि आपका नीट 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो सकता है। हालांकि जो अपडेट्स है वो कल शाम तक निकलकर सामने आ जाएंगे, हो सकता है कि कल सुबह या फिर दोपहर में ही आपको पता चल जाए, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज यही है कि कल शाम तक इसके अपडेट आपके सामने होंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका नीट 21 का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। 99.99% चांसेस यही है कि आपका नीट 21 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा। बाकी आपकी क्या राय है, पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट आगे भी चैनल पर आप सभी को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।